नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। गाना जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो विधायक के नाम से चल रहा है कि आदर्श भैया ने गली गली में सड़क बनवा दी है। आयरनी देखिए कि जिस गली में हम खड़े हैं, इस गली में कल थोड़ी सी बारिश के बाद स्थिति ये है कि आदमी पैदल, बच्चे, सड़क वाले पे साइकिल और मोटरसाइकिल तो कतई आराम से निकल नहीं सकती है। और गाना जो बैकग्राउंड में चल रहा है आदर्श शास्त्री के स्वागत में, वो चल रहा है अपन आदर्श भैया गली गली में सड़क बना दिए रे। लेकिन सबसे पहले तो आप इस सड़कें देखिए कि सड़कों की जो स्थिति है, और ये इस तरह की सड़क है, और ये पूरी गली दिखाइए, इधर ध्यान से दिखाइए कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। रोज आते हैं आप यहाँ पर? दूसरे तीसरे दिन आते हैं। ये स्थिति सड़कों की कितनी साल से? बस सड़कें तो जब से बारिश हो गई जब से ये ऐसे ही है। बनी भी तो नहीं है, कच्ची बनी भी नहीं है सर। तो ये तो कह रहे सड़क बनवा दिए, गाना बज रहे हैं। पता नहीं, बता रहे बजा रहे और जाओ आप देखो, आपका सामने है तो ठीक है। तो ये स्थिति है, आप सोचिए कि दिल्ली के चुनाव में, राजधानी दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी के दम में भर रही है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पर ये स्थिति है। ये द्वारका विधानसभा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टिकट पे 2015 में चुनाव लड़े, जो कि इस बार पार्टी ने उनको निकाल दिया। आदर्श शास्त्री कांग्रेस पार्टी पे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये स्थिति है। अभी देखिए सामने जो गाड़ी आ रही है, इसको देखिए ये कैसे निकलेंगे लोग, और इस बगल से आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, ये इस तरह की स्थिति। तो ये हम आपको गली गली की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, जिसकी सूरत बदलने का आम आदमी पार्टी दम में भर रही है। आप यहीं रहते हैं साथ में आए इनके? मैं तो जा रहा था तो बोले कि नेता जी आ रहे हैं। अच्छा, दो दस मिनट खड़े हो जाओ। ठीक है, हमारे साथ एक चाची जी हैं जो मोहल्ले की हैं, सड़कों की हालत आपको हमने दिखा दी। चाची जी क्या कह रही हैं? गली में क्या, बच्चों को स्कूल जाते हैं रोज गिर जाते हैं, इतनी कीचड़ में जाते। तुम देखो सारी फिल्म बना के देखा, दिखा देना विधायक जी को। आप पाँच जी तो आए हुए हैं, उनसे भी तो 5 साल रहे, तब क्या करा उन्होंने ये बताओ ना। 5 साल रह चुके थे, वो क्या करा उन्होंने ये बताओ। आप लोग केजरीवाल से और इनसे दोनों से खुश नहीं, खाली इनसे नाराज हैं? नाराज क्या, देखो ना पानी की हमें कितनी दिक्कत है सड़कों की, हमारे बच्चे गिर जाते हैं स्कूल जाते हैं, हम कहीं नहीं निकले। दो जरा सी बारिश होएगी कीचड़ हो जाता है, और ये नहीं हमें 4 साल हो गए इस दिक्कत को भोगते हुए, 4 साल तो इस तरह हो रहा है कीचड़ों के। अरे वो नालियाँ बना रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं, नालियाँ तो कीचड़, उनमें तो दुनिया भर का गंद भर जाता है नालियों में। तो वो नाली बना दी, नालियों में तो दुनिया भर का गंद भर जाता है। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ना किसी पब्लिक को परेशान किया, ना किसी को परेशान किया। हम ये कह रहे हैं कि जिसे टिकट काट दिया गया उनका, टिकट काट दिया गया, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ आवाज किया कि लोगों से मिल नहीं पाए। मिलने से थोड़ी क्या है, काम से मतलब। मिलते थे कि नहीं मिलते थे? हाँ मिलते थे, हम भी मिलते थे, जब काम हो जभी तो मिलेंगे। सड़क की स्थिति खराब है, स्थिति खराब है इसलिए है कि जब तक सारी चीजों का कंप्लीट काम नहीं होगा जब तक तो खराब रहेगी। नहीं पूरी खराब है, मैं तो देख, पूरी खराब है, मानते उस बात को, तो काम हो रहा तो कहीं रहते हैं? हाँ, कहाँ से उखड़ी पड़ी है? तो लगे 4 महीने से उखड़ी पड़ी है, ये 6 महीने से उखड़ी पड़ी है मान लो। अच्छा। जब तक उसमें सीवर का कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप, हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर कहीं चोट लग जाती है तो घाव भरने में टाइम तो लगता ही है भाई, लगता ही है। तो आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं जी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? नंबर का आदमी है, ईमानदार आदमी है। माहौल क्या लग रहा है? माहौल अच्छा लग रहा है जी, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब को। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही नहीं है कि कुछ लोग, जितने लोगों से हमने बात की इनके मौजूदा विधायक के बारे में, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि वो भी किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं वो निकले, फिर उनसे बात करें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोनू शर्मा है। अच्छा मोहन जी, आप जो है क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? आदर्श शास्त्री का माहौल लग रहा है। अच्छा। और अच्छी बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे। हाँ। और आदर्श जी ने काम बहुत किया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत काम किया है। मैं बताऊँ आपको। हाँ। कि यहाँ पे हर एक गली में सीवर डल चुके हैं, देखिए सीवर डल चुके हैं। कुछ काम थोड़ा सा डिले हो गया यहाँ पे, कि आज NGT की रोक लगी थी, 2 महीने काम बंद रहा उस चक्कर में, नहीं तो यहाँ पे रोड बन चुकी होती अब तक तो। NGT की रोक लगी थी? हाँ जी।